हाथियों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। करीब एक महीने से हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। बीसपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव के कजर पानी टोले में 13 हाथियों का झुंड आ जाने से ग्रामीणों में दहशत की स्थिति हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग, पुलिस विभाग तथा CRPF की ड्यूटी लगा दी गई है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथियों के मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। बताते चले कि 4 साल पूर्व पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से एक हाथी भटक कर उत्तर प्रदेश के बवनी म्योरपुर जरहा रेंज में आकर उत्पात मचाया था। अब आलम यह है कि लगातार 4 सालों से हाथी छत्तीसगढ़ से भटक कर इन तीनों रेंज में आकर उत्पात मचा रहे हैं। अब तक 4 सालों में हाथियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले में जरहा रेंजर दिनेश कुमार का कहना है कि हाथी को भगाने के लिए म्योरपुर रेंज, बवनी रेंज तथा वन विभाग रेणुकोट दिन रात एक किए हुए हैं, जबकि बीसपुर थाना अध्यक्ष भी स्वयं CRPF टीम के साथ मौके पर रह कोई अप्रिय घटना न घट जाए इसके लिए तैनात हैं। उन्होंने बताया कि हाथियों को भगाने के लिए DJ साउंड में शेर की दहाड़ वाली आवाज बजाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कुल 13 की संख्या में हाथी हैं, जिसमें से हाथियों की एक बच्चे की मौत हो गई है। पशु चिकित्सक धारियों को हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया है। बच्चे की मौत का कारण पता PM होने के बाद ही चल सकेगा। तैयार हो गए है? मैं बिस्कियारी रहे। चलो सरकार से मिली आपके कुछ ना कुछ मत रुआ। गरीब है शंकर दयाल। ये हाथी आपके गांव में कब आई है? कल से आई है। हाथी भगाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? बहुत बाजा बजा इधर उधर पड़ाका वड़ाका और सभी विभाग हैं, DJ का ही व्यवस्था है। सोनभद्र के बीचपुर थाना क्षेत्र के डुमरहर गांव में है। यहां करीब 13 के संख्या में हाथी आ गए हैं। वन विभाग लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है। कभी हाथी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ बगल में ही बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ में चले जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में आ जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हाथियों ने 3 आदमी का जान ले लिया था। 2 आदमी जिसमें छत्तीसगढ़ के थे, 1 आदमी अपना उत्तर प्रदेश का था। पुलिस विभाग, वन विभाग लगातार हाथियों पर गश्त बनाए हुए है। सोनभद्र से पंकज सिंह, समाचार एक्सप्रेस। ये हाथी सर कब से आई है और इनको भगाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? हाथी तो पहले जो है कि बवनी रेंज रेणुकूट वन प्रभाग में थी, हैं, और 3 दिन से जो है कि जरहा रेंज में आई हुई है, जिसपे जो है पुलिस विभाग, वन विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है मुस्तैदी से काम कर रहा है। ग्रामीणों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो है कि अपनी सुरक्षा के लिए घर के दरवाजे पर आग जलावें और जो है कि हाथियों के झुंड के पास न जाएं, अपनी जो है कि मिर्चा वगैरह डाल करके धुएं जलाते रहें, हैं जी, जिससे कि, और DJ का भी प्रयोग, शेर की दहाड़ वाल का जो है कि आवाज निकालते हुए जो है कि इनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सेंचुरी एरिया में, मध्य प्रदेश के सेंचुरी या छत्तीसगढ़ के सेंचुरी एरिया में वो चले जाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।